सिंघू ते टिकरी बॉर्डर ते जो कुछ होया तो सारी तस्वीरां दिखाईयां किस तरह के नाल इत्थे कुछ लोग पहुंचे जिहड़े कि इत्थे किसानां नूं हटाउण दी कोशिश कर रहे ने, किसानां दे उत्ते हमले कर रहे ने। इस मामले दे उत्ते हुण प्रतिक्रम भी आउणे शुरू हो गए ने। सुखबीर सिंह बादल ने इस पूरे मामले नूं लैके भाजपा ते वड्डा इल्जाम लगाया। जी हाँ, भाजपा दे उत्ते इल्जाम लगाया। उन्हां ने कहा कि भाजपा दे वर्कर पुलिस दे सहारे हिंसा फैलाउण दी इत्थे कोशिश कर रहे ने। उन्होंने कहा कि भाईचारक सांझ का माहौल खराब करन तो बीजेपी बाज आवे, ये चेतावनी उन्होंने दी है। तो नाल ही प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री नूं मंग कीती है कि ये लोग जड़े इस तरह हिंसा फैला रहे हैं, इन्हां दे उत्ते तुरंत एक्शन उन्होंने वालों लिया जाए। उन्होंने कहा कि हर कीमत पर शांति बहाल रखने लिए कदम चुके जाने चाहिए ने। किसान अंदोलन नूं एक धर्म विशेष नाल जोड़न की जड़ी कोशिश की जा रही है वो सब दे लई ये कीता जा रहा है। राकेश टिकैत नाल गल करके उन्होंने भी हर मदद का भरोसा दिता है। मैं स्ट्रोंगली कंडेम करना चाहता हूँ जो भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स राही सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे टकराव की सिचुएशन खड़ी कर रही है। वहाँ जो अमन शांति से जो प्रोटेस्टर्स बैठे हैं, किसान बैठे हैं, उनके खिलाफ बीजेपी काडर को लाया जा रहा है। पुलिस उनको आगे लेके आ रही है, पुलिस उनको इनकरेज कर रही है और पुलिस पूरी प्रोटेक्शन दे रही है। ये जो कोशिश हो रही है बीजेपी की शो करने के लिए कि लोकल लोग उनके खिलाफ हैं, ये कोशिश एक नुकसान करेगी, एक वायलेंस तरफ ये सिचुएशन लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, बीजेपी के आज कई लीडर दिल्ली में, उन्होंने शहर में कई सेंसिटिव जगह में आकर प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नारे कौन से लगा रहे हैं, गोली मारो देश के गद्दारों को। ऐसी सेंसिटिव जगह का मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो और कम्युनल वायलेंस शुरू हो। पर मैं अपील करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को और देश के होम मिनिस्टर जी को कि ये जो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं ऐसी ऐसी सेंसिटिव जगह पे जाके ऐसे नारे लगाएंगे तो ये वायलेंस प्रमोट होगी या पीस प्रमोट होगा? क्या देश की सरकार देश में वायलेंस चाहती है? क्या देश की सरकार कम्युनल क्लैशेस चाहती है? हम देश, ये जो देश है भारत देश सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं, ये सारों का देश है। देशवासियों को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये पार्टी या ये इंसान और ये ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेट देगी कि ये हमारे देश के लोग हैं या देश के नहीं लोग हैं। ये जो देश है हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई सबका देश है, सारे धर्मों का देश है। इतना बड़ा हमारी जो देश की ब्यूटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, देश की देश को आज़ाद हुआ है, इसलिए आज़ाद हुआ और देश में इतनी तरक्की हुई है क्योंकि इस देश में सब धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। दुनिया के जितने भी धर्म हैं सारे धर्मों के लोग भारत में रहते हैं और इकट्ठे रहते हैं, खुश रहते हैं। पर अगर कोशिश करी जाएगी ये बर्दाश्त नहीं होगा देश के लोगों को। ये देश सारे धर्मों का है। मैंने आज राकेश टिकैत जी से बात की जो संघर्ष कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। बड़े दुख से कहना पड़ता है, उनका पानी काटा गया, उनकी बिजली काटी गई। ये देश की सरकार का काम है? एक लीडर किसान वहाँ बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि वो कर सकते हैं। आप सरकार का जोर लगाकर सरकार की ताकत से आप उनका पानी काटोगे और उनका बिजली काटोगे? मैंने उनका बोला जब बात की, मैं क्या उनके पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और मेरे पिता श्री प्रकाश सिंह बादल पूरी ज़िंदगी उन्होंने किसानी के लिए संघर्ष किया और हर संघर्ष में उन्होंने किसान की आवाज़ उठाई
और यही कारण है कि किसान एक झंडे के नीचे इकट्ठे हैं। मैं देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष किसी कम्युनिटी का संघर्ष नहीं है, ये किसानी कित्ते का संघर्ष है। ये पंजाब के किसान से लेकर केरला के किसान, महाराष्ट्र के किसान, कर्नाटका के किसान, तमिलनाडु के किसान, वेस्ट बंगाल के किसान, यूपी के किसान, मध्य प्रदेश के किसान, देश के कोने कोने के किसान एकजुट होकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। पर सेंटर से की सरकार की कोशिश है कि इसको एक कम्युनिटी के साथ लिंक करना करके इसको डीरेल करना कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं हो सकेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं सारी पार्टीज को अपील करना चाहता हूँ कि सारी पार्टीज हम एक इकट्ठे हों इस संघर्ष में, क्योंकि ये आवाज़ किसानों की आवाज़ सेंटर की सरकार कुचलना चाहती है और अब अपने ताकत के साथ कुचलना चाहती है। किसे जितना कुछ मर्जी हो जाए, ये किसान की आवाज़ हम कुचलने नहीं देंगे। मैं मीडिया को भी अपील करना चाहता हूँ, ऐसे व्यू, ऐसी दृश्य ना दिखाएं, ऐसी फोटोग्राफ्स ना दिखाएं जो पीस को डिस्टर्ब करें या कम्युनल वायलेंस को इनकरेज करें, क्योंकि ये देश हमारा देश है और श्रोमणी अकाली दल जो पार्टी है इस साल ये 100 साल पुरानी पार्टी है और हमारी पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा असूल यही है, पीस एंड कम्युनल हारमोनी। हमारे पंजाब में जैसे कभी एक इंस्टेंट कम्युनल वायलेंस का नहीं हुआ आज तक, आपने बुरे दौर भी देखे हैं उस टाइम भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये पार्टी का स्टैंड रहा है, हमारी कम्युनिटी का स्टैंड है। हमारे गुरु साहबान ने हमें एक बात सिखाई है, सरबत का भला। सरबत का भला का मतलब हम हर रोज़ अपनी अरदास में यही बोलते हैं, सरबत के भले की अरदास करते हैं, कोई सिखों की भले की बात नहीं करते, सारे संसार की हर धर्म की भले की बात करते हैं। और ये जो बीजेपी की आज लोगों ने कई सेंसिटिव जगह में जो ये किया है, ये स्ट्रांगली निंदा करता हूँ। और मैं देश के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को बोलना चाहता हूँ कि अपने बीजेपी के कार्डर को रोकें, ऐसे जो नारे लगा रहे हैं, ऐसे जो बयान दे रहे हैं, ऐसे जो जाकर वहाँ टेंशन क्रिएट करते हैं किसानों पे जाकर, और पुलिस को की सपोर्ट से ये बंद करें, क्योंकि देश अमन शांति चाहता है और सारा देश किसानों के साथ है। आप जितनी कोशिश करेंगे किसानों की दबाने की, किसान नहीं दबेंगे। ये वो लोग हैं, बहादुर लोग हैं, जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने संघर्ष किया, मेहनत करके उन्होंने देश को अन्न दिया है। आप देश के किसान को एंटी नेशनल नहीं कह सकते। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ सेंटर सरकार को, अब वो हर किस्म के हथकंडे अपनाने लग गए। जो इंदिरा गांधी के समय एमरजेंसी दौरान उन्होंने भी यही किया था, इंदिरा गांधी सोच रही थी कि अब मैं ऑल पावरफुल देश की प्रधानमंत्री हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। उस टाइम इतना उन्होंने जुल्म डाला और 3 साल बाद देश के लोगों ने उनको निकाल दिया। ये देश एक डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ हमारी ताकत, सबसे बड़ी ताकत डेमोक्रेसी है। अगर ये सोचते हैं कि डिक्टेटरशिप कर ये अपने देश को दबा के रखेंगे, देश की आवाज़ को दबा के रखेंगे, किसान की आवाज़ को दबा के रखेंगे और ये NIA या दूसरे एजेंसी को यूज़ करेंगे, 1 महीने के लिए दबा लोगे, 2 महीने के लिए दबा लोगे, जब समय आया देश के लोग अपनी आवाज़ उठाएंगे।